हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7। तो ये आप पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन में एक्सरसाइज 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्टिव ईयर वाज 6378907 एंड 7865089 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कि वैष्णो देवी जो है दर्शन करने के लिए पिछले 2 सालों में, ठीक है दिस नंबर एंड दिस नंबर लोग गए थे। ठीक है, पिछले 2 सालों में, लगातार के 2 सालों में वैष्णो देवी के दर्शन करने, ठीक है, इतने लोग गए थे। तो कितने पर्सन जो है इन 2 सालों में दर्शन किए हैं। ठीक है, तो पिछले 2 सालों में, ठीक है, इतने लोग गए हैं तो कितने लोग दर्शन किए हैं, तो दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर आप बता देंगे कि पिछले 2 सालों में इतने लोग जो है दर्शन करने गए थे। ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो यह है पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। ठीक है कितने लोग जो है इन 2 सालों में दर्शन किए हैं, तो इन नंबर को ऐड कर लेना है। तो यह फर्स्ट नंबर दिया था, सेकंड नंबर, इनको ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऊपर नीचे आपने लिख दिया, आप दोनों को ऐड कर लें। तो यह आपका 7 और 9 कितना हो गया, तो 7 9 हो गया आपका 16। 16 को 6 कैरी 1 जो इसमें ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 यह हो गया 8 5 13 को 3 कैरी 1। ठीक है, तो यह हो गया 8 और 6 14 को 4 कैरी 1। ठीक है, 8 और 3 11 और कैरी 1 12 को 2 कैरी 1। ठीक है, तो यह 6 और 7 13 और 1 ऐड करेंगे 14। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऐड करने पर 1 4 2 4 3 9 9 6 आ गया। ठीक है, हैंस द पर्सन विजिटेड इन 2 ईयर इज। ठीक है, तो जो ऐड करने पे आंसर आया, इतने पर्सन जो है 2 ईयर में वैष्णो देवी दर्शन किए हैं, कितने, 1 4 2 4 3 9 9 6 पर्सन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्री इन आवर टाउन प्रोड्यूस, ठीक है, दिस बैग्स, देखे इतने नंबर्स बैग, ठीक है, दिस नंबर्स बैग्स एंड दिस नंबर्स बैग्स रिस्पेक्टिवली। तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल जो है 3 जो है शुगर फैक्ट्री हैं टाउन में, शहर में 3 शुगर फैक्ट्री हैं जो कितने बैग प्रोड्यूस कर रही हैं। तो पहले देख रहे हैं कि पहली कंपनी जो है वह 2380 7575 बैग प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंड जो है 1972 8686 बैग, और थर्ड जो है वह 8962 347 बैग्स जो है प्रोड्यूस कर रही है। हाउ मेनी बैग्स इन ऑल वेयर प्रोड्यूस बाई ऑल द 3 फैक्ट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कितना बैग्स जो है तीनों फैक्ट्रियों के द्वारा लास्ट ईयर में प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो लास्ट ईयर में कितना बैग्स जो है फैक्ट्रियों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया तीनों के द्वारा, तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तीनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो देखें कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से। बैग्स इन ऑल वेयर प्रोड्यूस बाई ऑल द 3 फैक्ट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है, तीनों फैक्ट्रियों के द्वारा पिछले साल जो है कितना बैग प्रोड्यूस किया गया, तो उनके नंबर्स जो बैग्स के प्रोड्यूस किए उनको ऐड कर दें। या पहले फैक्ट्री का नंबर्स है, इतना बैग प्रोड्यूस किया था, दूसरा फैक्ट्री इतने बैग्स प्रोड्यूस किए, तीसरी फैक्ट्री इतने बैग्स प्रोड्यूस किए, इन तीनों को आप ऐड कर दो। इन तीनों नंबर्स को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, अब आपको यहाँ पे ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो जब आप ऐड कर लोगे तो यहाँ एक डाटा आ गया आपका, हैंस बैग प्रोड्यूस बाई ऑल द 3 फैक्ट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर इज। ठीक है, तो लास्ट ईयर के दौरान तीनों फैक्ट्रियों के द्वारा जो बैग्स प्रोड्यूस किए थे वह इस प्रकार हैं। तो इन तीनों डाटा को आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आप लिखेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर लेना, तो यहाँ पे जो डाटा आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इन ए सिटी देयर आर 5726439 मैन, 4439675 वुमेन एंड 2016348 चिल्ड्रेन। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी? तो आप देख रहे हैं कि एक शहर में इतने जो है मैन हैं, इतने वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रेन हैं, ठीक है। वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो टोटल पॉपुलेशन पूछना है तो इसमें नंबर ऑफ मैंस प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो ध्यान दें, यह क्वेश्चन नंबर थ्री, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो सबको ऐड करें, यह आपके नंबर इतने नंबर्स मैन के हो गए प्लस इतने नंबर वुमेन के हो गए प्लस इतने नंबर चिल्ड्रेन के हो गए। इन नंबर्स को आपने ऊपर नीचे लिख दिया और लिखने के बाद इनको आप ऐड करोगे, यहाँ ऐड करके लिखेंगे, हैंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज, तो जो ऐड करने पे जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन नंबर को आप ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद जो है फिर वहाँ जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक। यह था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फोर है, इन ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर साल में द मेल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 2359324 मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हैं कि एक साल जो है, एक निश्चित साल में जो मेल पॉपुलेशन है शहर का, वह फीमेल पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा है। द नंबर ऑफ फीमेल वाज दिस नंबर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उस शहर का पॉपुलेशन जो है फीमेल से मेल का ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, तो वह है ज़्यादा है 2359324 ज़्यादा है, और उस शहर के फीमेल का नंबर जो है वह 6813675 है। व्हाट वाज द मेल पॉपुलेशन, आपको मेल पॉपुलेशन बताना है, मेल पॉपुलेशन कितना है। तो फीमेल पॉपुलेशन इतना है और मेल पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है उससे, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन इतना है और मेल पॉपुलेशन उस फीमेल पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा है, तो मेल पॉपुलेशन कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा मेल पॉपुलेशन, पहला आंसर निकल जाएगा। फिर व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग लास्ट ड्यूरिंग दैट ईयर, तो उस शहर का उस साल जो है टोटल पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। तो यह आपका फीमेल पॉपुलेशन दिया हुआ है और दोनों को ऐड करने पर मेल पॉपुलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो जो दोनों को ऐड करने पर मेल पॉपुलेशन जो आया होगा उसमें फीमेल पॉपुलेशन को ऐड कर देंगे तो सेकेंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखो ध्यान से, द मेल पॉपुलेशन, द मेल पॉपुलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन प्लस जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको, ठीक है, क्योंकि फीमेल से ज़्यादा मेल हैं तो इतना ज़्यादा हैं, फीमेल से ज़्यादा इतना मेल हैं, तो जो ज़्यादा हैं तो उनको लिख दिए और इतना तो है ही है मेल, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को नंबर को हमने ऐड कर दिया, 5497296 39 और 9 and 3 12 को 2 carry 1, 5 4 1 6 और carry 1 7, 8 or 3 11 को 1 carry 1, 6 2 8 और 1 9। तो हैंस दैट मेल पॉपुलेशन इज 9172999, यह निकल गया आपका मेल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या होगा, मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन आप निकाले हो 9172999 और फीमेल पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया था 6813675, इन दोनों को ऐड कर दो तो ऊपर नीचे करके इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, 9 और 5 14 को 4 carry 1, 9 और 1 10 और 7 17 को 7 carry 1, 9 और 1 10 और 6 16 को 6 carry 1, तो 2 और 3 6, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 9 और 6 15, ठीक है। तो ऐड करने पे हो गया, हैंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग दैट ईयर इज 1598-6674। ओके स्टूडेंट्स, तो यह निकल गया आपका टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेल पॉपुलेशन जो था वो फीमेल पॉपुलेशन से ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था यह दिया था, तो नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन पूछ रहा था, तो जो फीमेल पॉपुलेशन थे और जितने ज़्यादा थे मेल पॉपुलेशन उन दोनों को ऐड किए तो नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन निकल गया। उसके बाद जो है मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन को ऐड कर दिए तो टोटल पॉपुलेशन निकल गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द सेल्स रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग
द ईयर 2011 वाज रुपीज 1304745 नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाई रुपीज 797 3674 what was the sales receipt of the company in the year 2012 what was the total sales receipt of the company during these two years to aap dekh rahe hain ki 2012 mein aapko batana hai theek hai ki sale receipt company ki kitni hai uske baad jo hai isme आपको टोटल सेल रिसिप्ट बताना है ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में फीमेल नंबर दिए गए थे और उनसे मेल नंबर क्या थे इंक्रीज थे, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं रुपीस दिया है ठीक है 2011 का रुपीस दिया है और नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो जा रहा है, रुपीस क्या हो जा रहा है इससे बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो 2012 में कितने होंगे तो यह 2011 का रुपीज और जो इंक्रीज रुपीज है इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यह आपका निकल जाएगा 2012 का रुपीज। उसके बाद टोटल आपको पूछ रहा है तो जो ऐड करने पर आया है और ठीक है और जो 2011 का रुपीज़ है उसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो लास्ट टू ईयर के सेल रिसीप्ट निकल जाएंगे ठीक है। तो कैसे करेंगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 सेल्स रिसीप्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2012 में सेल रिसीप्ट कितने थे तो ये आपके दिए हैं रुपीज़ और प्लस जो इंक्रीज रुपीज़ था वह दोनों को ऐड कर लिए तो यह निकल गया आपका 2012 में सेल रिसीप्ट ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए 6410 का 0 करीबन ठीक है। तो यह 1 ऐड करेंगे तो 5 5 7 12 2 करीबन 5 और 1 जोड़ेंगे 6 6 12 2 करीबन 7 और 1 8 और 8 और 3 11 को 1 करीबन 5 हो गया 5 और 7 12 को 2 करीबन 1 और 10 को 0 करीबन 4 हुआ 4 7 ऐड किए तो 11 को 1 करीबन तो 1 2 हो गया। यह आ गया 2012 में कंपनी का सेल रिसिप्ट। अब पूछ रहा है कि टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस टू ईयर तो टोटल सेल रिसिप्ट कितने होंगे इन टू ईयर में ठीक है। तो 2011 का रिसिप्ट और जो ऐड करने पे आया है रिसिप्ट वह दोनों को ऐड कर लेंगे ठीक है, ऊपर नीचे करके ऐड कर लेंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यह आपका होमवर्क है, इसको ऐड करके लिखना है ठीक है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है ना। तो यह ऊपर नीचे हमने लिख दिया है, आप यहाँ ऐड करके लिख लेंगे हैंस द टोटल सेल रिसीप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस टू ईयर इज ठीक है। तो इस प्रकार टोटल सेल रिसीप्ट जो कंपनी का इन दो सालों के दौरान होगा तो जो यहाँ ऐड करने पे आएगा वो यहाँ आप लिख लेंगे वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता रहे हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से।